बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, और देखिए जिस तरीके से आज 2 साल की सजा सुनाई गई उसके बाद लखनऊ में कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में कई जिलों में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेस की तरफ से आज प्रदेश भर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से आयुषी, राहुल गांधी को जिस तरह से सजा सुनाई गई है उसके बाद से लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले की अगर बात करें तो ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी नेताओं से भरा हुआ था। जो कार्यकर्ता थे पार्टी के तमाम वो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अब बहुत से जो कार्यकर्ता हैं उनको एक बस में भर के यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से लेके चली गई है। बैरिकेडिंग करके इस पूरे रास्ते को, कांग्रेस कार्यालय के बाहर का देखिए नज़ारा है, बैरिकेडिंग करके इस पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। और इसके बाद में अब एक और बस है जिसमें भर के कांग्रेसियों को यहाँ से ले जाया गया। सामने आप देख सकते हैं कई और बसें भी लगा दी गई हैं। बहुत से अब कांग्रेसी नेता जो हैं यहाँ पर उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अभी अभी बिल्कुल हम बात करें और पार्टी के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं नकुल दुबे, इसके अलावा शिव पांडे जो पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन अब धीरे धीरे करके जब यहाँ पर पुलिस पहुँची तो उनमें कई लोगों को हिरासत में लिया, तो कई लोगों को मौके से हटाने का काम किया। अभी भी देखिए सेवा दल के तमाम लोग, कई महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है? अर्चना राठौर। आज का ये विरोध प्रदर्शन किस वजह से? आज का विरोध प्रदर्शन जो आपने देखा कि अभी कोर्ट ने आदरणीय राहुल जी को जो सजा का ऐलान किया है, तो हम लोगों का मानना ये है कि अब हमारा दूसरा चरण यात्रा का स्टार्ट होने वाला था, तो सरकार जो है वो डर गई है राहुल गांधी जी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर। इस कारण से सरकारी जो तंत्र हैं, कहीं ईडी है, कहीं सीबीआई है, कभी कोर्ट है, इस तरीके से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की संस्थाओं को आगे बढ़ा करके, संवैधानिक संस्थाओं को आगे बढ़ा करके सरकार, तो कोर्ट पर सवाल नहीं, कोर्ट पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोर्ट किसी से क्या है, मुंसिफ भी कहा है, गवाही भी की है, और जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही भी की है। मोदी जब जब डरता है कानून को आगे करता है। पुतला भी फूका आप लोग? जी, ये प्रधानमंत्री जी का पुतला फूका गया। ये कुल मिला के स्थिति जो है 5 तारीख में, आप सोचिए क्या क्या ऐसा कह दिया जिसमें 30 सजा होनी चाहिए। आयुषी, एक बार हम लोग पार्टी कार्यालय की तरफ आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर जो पार्टी के और नेता है उनसे भी बात करते हैं। शिव पांडे दिख रहे हैं और यहाँ पर इससे पहले अभी यहाँ पर एक पुतला भी फूंका गया जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता उनकी तरफ से यहाँ पर। और अब उसके बाद में देखिए पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आगे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी शिव पांडे जी, क्या मुख्य मांग है आप लोग की, क्योंकि फैसला तो कोर्ट का है? नहीं, कोर्ट का फैसला बिल्कुल है, लेकिन डरो मत कि हमारी रणनीति है, जिस तरीके से कोर्ट के फैसलों को हम मानते हैं हम आगे भी जाएंगे, लेकिन इस तरीके की रणनीति क्या आपने पहले भी देखी है? इस तरीके की रणनीति कभी भी इस देश में नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान है, आगे भी हम कोर्ट में इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन हमारा मेन मतलब है राहुल गांधी ना डरा है ना कभी किसी से डरेगा। तो एक संदेश देने की कोशिश, पार्टी कार्यालय की तरफ देखिए हम चल रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत से जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जब यहाँ से उठाया गया तो वो उसके बाद ये सामने ही देखिए पार्टी कार्यालय का गेट है, वहाँ पर खड़े हुए हैं, इस समय भी उनके पास चलेंगे, उनसे भी बातचीत देखिए हम करेंगे और जानेंगे। लेकिन जो एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही है वो यही है कि डरो मत, हम गांधी हैं। ये संदेश लिखे हुए उनके हाथ में जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं वो दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर एक हम बात करें तो देखिए जो है वो पुतला फूंका गया प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर नकुल दुबे जी भी आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष। नकुल जी इधर आ जाइए। नकुल जी, ये बताइए कि आज फैसला कोर्ट का आया है, लेकिन आप लोग जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्या उद्देश्य उसके? कितना दुखदाई है साहब, कितना दुखदाई है, कैसे लोकतंत्र की हत्या है, कितनी हत्या हम लोग बर्दाश्त कर लें। अब जो चाहेंगे वो कोर्ट फैसला करेगी, जो चाहेंगे वो प्रयोग करेगी, जो कहेंगे हमारे पुलिस अधिकारी भाई लोग कहेंगे। क्या हो रहा है इस देश में, लोग वो चुन करके आए, चुनाव वोट जीत करके आए हैं, उनको इन लोगों किसी ने बनाया नहीं है, वो कोई इम्तिहान पास करके नहीं आए हैं, वो जो चाहते हैं वो जो चाहेंगे हो जाए। तो अगर लोकतंत्र को नहीं खत्म, लोकतंत्र को खत्म कर देना है तो सारा अपने हाथ में ले लें, यहाँ पर लगा दें कि साहब वो जितने जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ये जब तक जिंदा रहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, और हम सब लोग जो है बैठ करके जो है गुलामों की जिंदगी जिए, जैसे 8-9 लोग भाग गए थे छोड़ कर, हम लोग भी छोड़ छोड़ भाग जाए। हमारा ये कहना है कि आप न्यायपालिका को इस तरह से कमजोर मत करिए,
चलिए बिल्कुल, तो शैलेश कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और अपनी बात कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।